जो कि इंसान की सूरत में जाता है, लेकिन सऊदीया में जाकर वो एम्बुलेंस बन जाता है। और एम्बुलेंस बनने के बाद इस इंसान को इसके क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसानात हुए हैं? जब मैं मुंह के साथ अपना हर्म मारूंगा ना, वो खुद ही देख के करें अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अंदर ये पुर्जा फिट किसने किया भाई? मैं अड्डे में आया हूँ, मैंने हॉर्न मारा, डीपीओ वहाँ पे खड़ा था, उसने देखा और उसके साथ दो मोटरसाइकिल पे आदमी पुलिस वाले थे, तो वो कहते थे ये रक्षे वाले को पकड़ के लेके आओ। वो मुझे ये कॉलोनी वाले पुलिस से पकड़ के लेके गए थे। डीपीओ ने बोला इनकी बैटरी वगैरह ये जो हॉर्न लगा ना वो उतार लो। वहाँ पे उन लोगों ने टाइम पे खोले ना, उनको हॉर्न मिला ना उनको बैटरी मिली, और वो कहते सर इसमें तो कुछ भी नहीं आया। सब बातें छोड़ो, मैंने जहाज में मारा है। जब मैंने जहाज में जी जी मैंने कतर एयरलाइन पे आन के मैंने ऐसे भी जो शरारत आ गई, मैंने हॉर्न मारा। अच्छा जब हॉर्न मारा मैंने, वो सारे जो सवारी वगैरह जो आदमी थे बहन भाई उधर देख रहे थे, वो मुझे देखने लग पाए एम्बुलेंस यहाँ पे कैसे आ गई एयरपोर्ट पे। आज के अंदर एम्बुलेंस। अस्सलाम वालेकुम, तस्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ जो यहाँ से जो कि इंसान की सूरत में जाता है, लेकिन सऊदीया में जाकर वो एम्बुलेंस बन जाता है। और एम्बुलेंस बनने के बाद इस इंसान को इसके क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसानात हुए हैं? और ये जब सड़कों के ऊपर जाता है जहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है, तो इसको देखने के बाद डीसीओ डीपीओ वो भी अपनी गाड़ियाँ साइड पर करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इस एम्बुलेंस का अलार्म जो इसके अंदर है, उसकी वजह से इस शख्स को हवालात की हवा भी क्यों खानी पड़ी, इस शख्स से जानते हैं इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सर ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद वहीद। और इसके अलावा क्या है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जी। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ से तो आप एक इंसान की सूरत में गए थे सऊदी अरब में, आप जब गए तो वहाँ पर एम्बुलेंस बन गए, और वहाँ पर आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हुआ सारी तफसील बताएं। मैंने इधर से ना गया था सऊदीया में, अपना वीजा लिया था, ठीक है, मेरे मोहल्ले का गाँव का ही था लड़का, तो वो इधर से मुझे कह रहा था आपको ड्राइवरी पे लेके जाता हूँ, इधर आप रक्षा वगैरह चलाते हो आपका गुजारा नहीं होता, तो हम आपको लेके जाते हैं उधर से सऊदीया ले जाएंगे, आपके हालात अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान के भी हालात वैसे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है यार चले जाते हैं। मैं इधर से सऊदीया में चला गया, कोई पैसे मेरे पास आए थे कोई मेरे किसी दोस्तों वगैरह से पकड़े, मैं सऊदीया का वीज़ा लेके चला गया, ठीक है। इधर से मैं फिर गया ड्राइवरी का वीज़ा लेके उधर सऊदीया में, उधर से जाके मुझे जद्दा एयरपोर्ट से उन लोगों ने मुझे गैप कर लिया। कहाँ पर ले गए? वो मुझे तैफ के इलाके में ले गए। अच्छा, तैफ के इलाके में जाके वो पहाड़ी इलाका था, काफ़ी पीछे शहर आते थे, तो बियाबान इलाका वगैरह था, वहाँ पे मेरे उधर जाके मुझे उन लोगों ने बकरियाँ वगैरह दे दी। जब बकरियाँ वगैरह दी, पहले बकरियाँ ऐसी 30-40 बकरी थी, सुबह शाम उनको चरानी चोनी वगैरह पट्ठे वगैरह चारा वगैरह डालना, उसके बाद उसके दोस्त वगैरह आ जाते थे, उनको चाय पिलानी, उसको उनको खाना वगैरह देना, उनकी गाड़ी साफ करनी, उसके बाद वो दिन को रात सोते हैं, रात को वो जागते हैं, वो रात 2-3 बजे तक बैठे रहते थे, उसके बाद में सोने का टाइम मिलता था। अच्छा आप ये हैरान नहीं हुए कि मुझे तो ड्राइवर के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे बकरियाँ चराने वाला बना दिया गया? मैं परेशान खुद हो गया था, मैंने पीछे रابطہ किया, भाइयों से رابطہ किया, जिसने भाई से भाई ने वीज़ा लिया था ना, मेरे गांव वाला दोस्त मल्ले का था जो, उससे वीज़ा लिया था मैं भाई बड़े भाई ने, ठीक है, उसको मैंने बोला, वो कहते यार ये तो खुद कह रहे थे भाई आपका ड्राइवरी का वीज़ा है, तो मुझे नहीं मालूम था अब ये ऐसा काम होगा या क्या वगैरह होगा। अच्छा मीन के यहाँ से वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, ये बताएं कि वहाँ पर क्या हुआ, बीमार कैसे हुए, और फिर यहाँ से तो इंसान गए थे और वापस आप एम्बुलेंस की सूरत में कैसे आए? वहाँ पे ये मुझे उनका ना खाना वगैरह अच्छा लगता था, ना उनका पानी वगैरह मुझे अच्छा लगा, वो घर का पानी नहीं लेके आते थे, वहाँ से पानी रेतला इलाका वगैरह था, तो वहाँ पे का पानी अच्छा नहीं था, ठीक है, तो वहाँ से बस कहीं कुछ खाने पीने में या कुछ हफ्ता में बीमार हो गया। जब बीमार हुआ फिर वो मुझे नहीं पता चला भी क्या होगा, एक दिन ऐसा आ गया फिर मुझे खुद नहीं पता लगा भी मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ पे बैठा हूँ, कहाँ पे रहता हूँ, क्या हफ्ता है। वो दोस्त वगैरह एक आया था, उसने देखा, वो कॉल की मेरे फील्ड को, वो मुझे अस्पताल में लेके चले गए, वहाँ पे उन लोगों ने मेरा इलाज वगैरह कराया, दवाई वगैरह दी, मुझे होश नहीं था भी उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। फिर वो जब वहाँ पे गए अस्पताल में दवाई वगैरह लेके, उसके बाद मैं 8-10 दिन के बाद
ये मेरे बाजे निकली थी एम्बुलेंस की। अच्छा मुझे ये बताएं कि वापस आप आए हैं तो कितनी देर बाद उन्होंने जब आपसे बातचीत की है तो तब जब उन्होंने बुलाया तो आगे से आपकी एम्बुलेंस की आवाज़? वो मुझे 2-3 दिन अस्पताल में रहा हूँ मैं, उधर तैफ के शहर का अस्पताल था, ठीक है, सरकारी था, तो वहाँ पे मैं 2-3 दिन वहाँ पे रखा है, उसके बाद हम चले आए हैं। उसके बाद आप एम्बुलेंस बन गए? हाँ जी, उसके बाद समझ लो हम एम्बुलेंस बन गई अपने। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब एम्बुलेंस रोड पे आ गई है तो किस तरह ट्रैफिक को साइड पे करेंगे आप? वो जब मैं मुंह के साथ अपना हॉर्न मारूंगा ना, वो खुद ही देख के करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अंदर ये पुर्जा फिट किसने किया है भाई? ये मुझे नहीं, खुद ये नहीं मुझे समझ आ रही है। अच्छा आपने इसके कोई इलाज करवाया, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया आपने? वो मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था 1-2 दफा, उसके बाद वो भी कह रहे थे यार हमें नहीं मालूम ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। हमारी मशीनें इधर अच्छी नहीं है। अच्छा। आप ऐसे करो कि बड़े अस्पताल में जाओ, इस्लामाबाद जाओ, लाहौर में जाओ, ठीक है। मेरे हालात वैसे थे, माड़ा बंदा था, इसलिए मैं नहीं जा सका। ये बताए कि अब आप सड़क पे जा रहे हैं, कभी यूं हुआ कि ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम और आपने हॉर्न दिया और ट्रैफिक साइड पे? हाँ जी, कई दफा ऐसे हुआ है जब मैं बाईपास में जा रहा हूँ सवारी लेके, या बाईपास से अड्डे में आ रहा हूँ, रास्ते में कई दफा ऐसा हुआ है मोटरसाइकिल वगैरह लगी हैं या रक्षा वगैरह रेडी वगैरह गाड़ी वगैरह लगी हैं, रश बन जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है वहाँ पे, रश बन जाता है। अच्छा, इस हॉर्न पे तो आम इंसान को मारना या अपने गाड़ी के ऊपर लगाना तो पाबंदी है, तो जो कि इसकी वायलेशन होती है अगर आप ये करते हैं, तो आपने कभी मारा हो तो कोई पुलिस पास खड़ी और उसने कहा इधर आओ भाई? हाँ जी, ऐसे भी कई दफ़ा हुआ है। मैंने तकरीबन ये छोटी ईद की बात है, और अड्डे में मैं आ रहा था वापसी, चांद रात की बात दिन की है, मैं अड्डे में आया हूँ, मैंने आयरन मारा, डीपीओ वहाँ पे खड़ा था, उसने देखा और उसके साथ 2 मोटरसाइकिल पे आदमी पुलिस वाले थे, तो वो कहते थे ये रक्षे वाले को पकड़ के लेके आओ। वो मुझे ये कलोनी वाले पुलिस से पकड़ के लेके गए थे, वापसी लेके गए तो वो डीपीओ ने बोला इनकी बैटरी वगैरह ये जो आयरन लगा ना वो उतार लो। वहाँ पे उन लोगों ने टाइम पे खोले ना, उनको आयरन मिला ना उनको बैटरी मिली। अच्छा। और वो कहते सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास साथ एक आदमी बैठा था, सवारी थी, वो बैठा हुआ था, तो उसने बोला सर ये ना मुंह के साथ मारता है ये, इसको काफी हॉर्न लगा हुआ। हाँ जी, इसके अंदर हॉर्न लगा हुआ है, ये काफी देर का ही तो मार रहा है, तो इसके अंदर ये आयरन वगैरह लगा है या कैसे मारता है हमें नहीं मालूम, पर ये मुंह के साथ मारता है। फिर डीपीओ ने क्या कहा? वो उसने मुझे बुलाया नीचे आओ, उतर के मैं उतर के नीचे गया, वो गाड़ी में बैठा था, उसने बोला अभी मार के दिखाओ कैसे मारती हो। फिर मैंने उधर से पानी का ग्लास पी के मैंने कैसे मारा मारे मैंने आपको उनको मार के मैंने दिखाया है, मुझे फिर दिखाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस टैलेंट का कभी फायदा भी हुआ है या नुकसान भी हुआ है, क्या क्या हुआ है, कभी इसकी वजह से कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ा? नहीं, इसका फायदा नहीं आज तक भी हुआ, अभी तक तो नुकसान वगैरह हुआ है। क्या नुकसान हुआ भाई? बस नुकसान ये वगैरह हुआ है, ये इधर से डॉक्टर है का, वो उसके पास बच्चों का काम है, मरीज वगैरह आते हैं इमरजेंसी में। अच्छा। तो उसने 1-2 दफा इधर हर मारे देखे हैं उसने, वो कहते हैं यार अल्लाह खैर करें, जब वो देखते हैं ये रक्षे वाला मार रहा है, वो मुझे बुला लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसके आदमी जो मगर भेजते हैं ना लड़का, वो लड़के भेज के मुझे पकड़ लेते हैं। अच्छा। वो 1-2 दफा उसने मुझे जेल में भिजाया है। अच्छा, इस हॉर्न की वजह से आपको जेल में भी जाना पड़ा? जी, जेल में गया हूँ 1-2 दफा। जेल के अंदर मारे हॉर्न? हाँ जी, जेल के अंदर भी मारे हैं, और वो कहते भी यार ये क्या है, आपने इस पे हॉर्न पे पाबंदी है, इसको पर्चा भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसको बोला था मैं खुद जान के थोड़ा मारता हूँ, या मैंने लगाया मेरी गाड़ी में भाई डाला निकाल लो आप आगे। हाँ जी, मैंने बोला मैं गाड़ी बंद कर दो, मुझे बंद कर दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा आन के, मैं कौन जान के मारता हूँ या मैंने खुद लगाया तो बताओ। अच्छा। ये तो मेरे अंदर से वाई निकलती, ये नहीं मुझे पता क्यों निकलती, क्या है मसला है। मैं सिर्फ ये इधर से वीजा लेके सऊदीया में गया था। अच्छा। सऊदीया से वापसी आया हूँ तो ये मेरे साथ हो। वापस पे आप जो कि इंसान से एम्बुलेंस बन गए? हाँ जी, ठीक है। मैंने सब बातें छोड़ो, मैंने जहाज में मारा है। अच्छा। जब मैंने जहाज में भी एम्बुलेंस? जी जी, मैंने सऊदीया एयर लाइन पे ना बैठ के, कतर के एयर लाइन पे आया हूँ ना, जब
कतर ए लैंड पे आन के मैंने ऐसे भी जो शरारत आ गई, पता नहीं चला मैं क्या हुआ, मैंने आयरन मारा। अच्छा, जब आयरन मारा मैंने, वो सारे जो सवारी वगैरह जो आदमी से बहन भाई उधर देख रहे थे, वो मुझे देखने लग पाए एम्बुलेंस यहाँ पे कैसे आ गई एयरपोर्ट पे, जहाज के अंदर एम्बुलेंस। हाँ जी, जहाज के अंदर एम्बुलेंस कैसे आ गई, वो उनका जो उधर साहब वगैरह था ना गेट पे पास खड़ा होता था, वो आग से वो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, उसको कुछ भी नहीं मिला। फिर जब मैंने दोबारा मारा, फिर उसने देख के मुझे बुलाया, वापस आओ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान, उसे ऐसे मुझे बोला, मैं वापस गया हूँ। फिर उसने बोला आपके क्या ये आपने आयरन मारा है, इधर पाबंदी है ये वो। मैंने कौन सा जान के मारा या मैंने खुद, मुझे नहीं मालूम था। ये बताएं कभी इस अलार्म की वजह से मारपीट भी पड़ी, घुंसे थप्पड़ कोई पड़े कभी? हाँ जी, ये भी हुआ, कई दफा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? ये अस्तराबाद में मैं एक दफा सवारी लेके गया था, तो वहाँ पे खड़े हुए थे मोटरवे वगैरह। अच्छा। पीछे से ट्रक वगैरह गाड़ी में लगे हुए थे, एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। तो मैंने यहाँ से एम्बुलेंस उन लोगों ने कॉल की और पीछे से मैं जा रहा था, मुझे नहीं पता था भी आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है। फिर आपने क्या किया? मैंने एम्बुलेंस की आवाज मारी। कैसे किया? एम्बुलेंस का आयरन मारा ना, जब मैंने ऐसे करके आयरन मारा, अच्छा मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये अकेली आवाज यही निकलती है या और कोई भी इस तरह की निकलती है? नहीं, एम्बुलेंस बस एम्बुलेंस ही मशहूर है, और अंदर सिर्फ किसी ने वो एम्बुलेंस वाला पुर्जा डाला है। हाँ जी, ये नहीं समझ आ रहा क्या कर कनेक्शन किया या क्या। आप आखिर में अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे जो आपकी आवाज़ सुनते, क्या आपके ये पुर्जा अंदर से निकलवाना चाहिए, या आप कहते हैं कि अगर इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ है तो आप कहते हैं नहीं अंदर ही रहना चाहिए, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं, ये मैं यही कहना चाहता हूँ, और ये जैसे भाई लोग जो मुझे देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे देख रहे हैं, वो उनसे उनका ये भी मुझे ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो जो मुझे बोले, हाँ जी वो मुझे बताएं। मैं खुद नहीं अपने अभी कुछ कर सकता, क्योंकि मैंने पहला फैसला बहुत किए, मैं अभी ये फैसला नहीं कर सकता। जो मेरे भाई मुसलमान जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, वो जो ऐसे बोलेंगे वो मुझे बता दें, इंशाल्लाह वो निकलवाना है, अलार्म लगाना है मैं निकलवा दूंगा, या जो भी करना है जो हिसाब किताब है। नाज़रीन, ये थे वहीद साहब, जो कि वहीद साहब तो हैं लेकिन एम्बुलेंस की सूरत में आज हमारे साथ मौजूद थे। इनको वहीद कोई भी नहीं कहता बल्कि एम्बुलेंस के नाम से पुकारा जाता है। इस एम्बुलेंस के अलार्म की वजह से इनको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों का सामना करना पड़ा है। मोस्टली इनका कहना है कि मुझे इसके डिसएडवांटेज ही मिले हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें कि इनको यह अलार्म निकलवाना चाहिए या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तस्वीर मीडिया।